लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साहब, डीसीपी साहब आए हैं। ठीक है, आने दो से। आओ आओ आजाद। नमस्कार। हमें मालूम था तुम आओगे, मगर इतनी जल्दी आओगे ये मालूम नहीं। मुझे तो लगता है मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। आजाद, थोड़ा कॉपरेट करो, मेरा साथ दो, ऐश करो। तू कॉपरेट कर और मेरे साथ चल, तुझे सरकारी दामाद बनाकर अच्छी तरह से खातिर करूंगा। शायद तुम्हें पता नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, तुम्हारे सीनियर्स मेरे सामने सर झुकाते हैं। और शायद तुझे ये पता नहीं कि राजशेखर आजाद सिर्फ तिरंगे के सामने सर झुकाता है। देखो आजाद, इस तरह की बातें नए नए रंगरूटों को शोभा देती हैं, जिन्होंने अभी अभी वर्दी पहनी। तुम तो बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर हो, बहुत सालों से काम कर रहे हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, दोस्ती कर लो मुझसे। शिकारी अपने शिकार के साथ दोस्ती नहीं करते। शंकर सिंघानिया का शिकार करोगे, अपनी मौत को बुलाओगे तुम। ए, चिल्ला मत, नहीं तो अभी का अभी सारा खेल यहीं खत्म कर दूंगा। इंस्पेक्टर। यस सर। शिकार करने का बहुत शौक है ना तुम्हें ली से भी। रुक क्यों गए, आगे बढ़ो। कोई मुझे उंगली भी दिखाए तो मेरे चाहने वाले लोगों से नहीं छोड़ते। तुमने तो मेरे हाथ में हथकड़ी पहनाई है, सोचो ये लोग तुम्हारा क्या हशर करेंगे। बात अभी भी बिगड़ी नहीं है, चुपचाप ये हथकड़ी खोल दो, लोगों के सामने मुझसे माफी मांग लो, मैं इन्हें समझा बुझाकर शांत कर दूंगा और फिर तुम घर जाने के काबिल रह जाओगे। चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हम इन्हें ले जाने नहीं देंगे। ये हमारे अन्नदाता है। हमारी लाश के ऊपर से गुजरने के बाद इन्हें ले जा सकते हो। देवता समान आदमी के हाथ में हथकड़ी लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन्हें छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो हम लाशें बिछा देंगे, समझे? देखो, तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ और कानून को अपना काम करने दो, नहीं तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। हाथ में बंदूक तो तुरंत खा समझ रहे हो? हिम्मत है तो चला गोली। हाँ हाँ, चला गोली। सिंघानिया साहब के लिए हम हंसते हंसते जान दे देंगे, चला गोली। अरे ऐसे गोली चला दी इन पे, मेरे पांच आदमी को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसका जवाब देना होगा तुम्हें। जवाब मैं नहीं, ये लोग खुद देंगे। ऐसे क्या देख रहा है? मैंने भी तेरा ही टेक्निक इस्तेमाल किया। तूने इन शरीफ लोगों की भीड़ में अपने 50 गुंडे खड़े कर दिए शरीफ बनाकर। मैंने 5 पुलिस के आदमियों को इसी भीड़ में खड़ा कर दिया गुंडा बनाकर। इससे कहते हैं जैसा काल वैसा ही तमाचा, समझे? चल। मिस्टर आजाद, आपकी वाइफ का प्रॉब्लम फिजिकल नहीं,
बल्कि साइकोलॉजिकल है। उन्हें अपने फादर के डेथ का बहुत गहरा शौक लगा है। फिर भी मैंने कुछ दवाइयाँ दे दी हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड। मैं चलती हूँ। रहीम सर, कल होशियार रहना। फ्रांसिस का कोर्ट में पहुंचना बहुत जरूरी है। यस सर। गुड मॉर्निंग श्री कृष्ण अर्जुन। बहुत जल्दी आप मेरा नाम भूल गए। बैठिए। राजशेखर आजाद है मेरा नाम। मैं जो भी कहता हूं उसका एक नहीं हजार मतलब होते हैं डीसीपी साहब, और ये बात आहिस्ता आहिस्ता जान जाएंगे आप। अच्छा, लेकिन क्या बात है, आज आप इन कपड़ों में कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं। इसका भी एक मतलब है, मैं जब भी कोई केस सॉल्व कर लेता हूं तो ऐसे कपड़े पहनता हूं। इसका मतलब आपने डीजीपी साहब के कातिल का पता लगा लिया? जी हाँ। ये नेक काम आप ही ने किया है। डीजीपी साहब ने आखिरी बार आपको फोन किया था, उनके मोबाइल फोन में आपके मोबाइल फोन का नंबर, उनके जिस्म से निकली गोलियों का आपके सर्विस रिवॉल्वर के साथ रिश्ता, इसके अलावा और भी बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए थे मैंने, थे। अब वो सारे सबूत मिटा दिए हैं मैंने हमेशा के लिए, क्योंकि आपने डीजीपी सूर्य प्रताप सिंह का खून नहीं किया, उनका वध किया, जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में कौरवों का वध किया था। वहां अर्जुन ने जब सामने अपने लोगों को देखा और धनुष रख दिया तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था, लेकिन इस कुरुक्षेत्र में तो श्री कृष्ण भी आप हैं और अर्जुन भी, इसीलिए मैंने आपको श्री कृष्ण अर्जुन कहा था। उस कुरुक्षेत्र में एक तरफ पांडव थे और दूसरी तरफ कौरव, लेकिन इस कुरुक्षेत्र में चारों तरफ कौरव हैं और बीच में हैं अकेले आप, फिर भी लड़ रहे हैं। इसलिए इस युद्ध में अगर मैं आपका साथ नहीं दे सकता तो जितना हो सके मदद तो कर ही सकता हूं। बेस्ट ऑफ लक। तुमने मेरे पापा को मारा? तुमने मेरे पापा को मारा है? तुमने मेरे पापा को मारा है? अंजलि, मेरी बात सुनो। सुनी तो रही थी मैं अब तक, यह मैं रोज दिन रात तड़प रही थी ये जानने के लिए कि पापा का खून किसने किया, और तुम्ही ने। तुम्हारे हाथ एक बार भी नहीं कांपे उस आदमी को मारते हुए जिसने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया। अंजलि सुनो तो, मैं डोंट टच मी। अंजलि देखो, छूना मत मुझे, इन हाथों से छूना मत, वरना मैं जान दे दूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती। You're a bloody murderer! You're a murderer! नमस्कार। हाँ तो डीसीपी आजाद साहब, शंकर सिंघानिया जी आपको आतंकवादी लगते हैं? आपको गांधीवादी लगते हैं? देखिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। जवाब जानते हुए सवाल करना भी सवाल नहीं होता। क्या आप अदालत में ये साबित कर सकते हैं कि शंकर सिंघानिया का किसी भी तरह का रिश्ता
टेररिस्ट वसीम खान के साथ है? हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि शंकर सिंघानिया का हर तरह का रिश्ता वसीम खान के साथ है। अच्छा, इसके लिए कितने गवाह खरीदे आपने? गवाह खरीदने और बेचने का धंधा आप जैसे कानून के दलाल करते हैं। जबान संभाल के जवाब दीजिए डीसीपी साहब। दिमाग ठिकाने रख कर सवाल कीजिए वकील साहब। ऑर्डर 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 ऑर्डर। वकील साहब, आप सिर्फ इस केस से जुड़े हुए सवाल ही पूछिए। यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं इनके गवाहों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। यस, प्रोसीड। योर ऑनर, मेरा गवाह कुछ ही देर में अदालत में हाजिर होगा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। मनोज, रहीम, बल्लू, विवेक कहाँ गए?